Hello student, hope you will be fine. Now as we are doing exercise 5.2, question number 9. Cf x equals to mod x minus 1 and x belongs to R is not differentiable at x equals to 1. ये दिखाना है आपने. तो हम इसको कैसे कर सकते हैं यहाँ पे मोड से बाहर निकालेंगे वैल्यू. मोड से बाहर पॉजिटिव में कब निकलेगी जब एक्स वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हो. पॉजिटिव में निकाली हमने यहाँ से, उसके बाद निगेटिव में निकालेंगे इसको. हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है. तो इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख दिया हमने, माइनस एक्स प्लस 1 यानी 1 माइनस एक्स. ठीक है, आगे आपका 1 माइनस एक्स का जब एक्स लेस देन 1 होगा. ओके स्टूडेंट, तो अब इसमें हम क्या निकालेंगे, डिफरेंशिएबल बताना है. तो आपने एलएसडी निकालना है इसमें, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी. इस पे निकालना है x equals to 1 पे, तो लिमिट x tends to 1 नेगेटिव fx माइनस f 1 निकालेंगे यहां ओवर x माइनस 1. क्लियर. अब इसको सिंपलीफाई करने के लिए पहले अभी x 1 नेगेटिव पर वैल्यू कितनी है fx की, यानी लेस देन 1 पे वैल्यू है 1 माइनस x. तो आप लिखेंगे लिमिट x tends to 1 नेगेटिव 1 माइनस एक्स और एफ वन पे क्या वैल्यू आ जाएगी, जब हम एफ वन रखेंगे यहाँ पे तो 1 माइनस 1 0 ओवर x माइनस 1 एज इट इज रहेगा दिस वन. अब हम क्या करेंगे यहाँ, इसमें x इक्वल्स टू 1 माइनस एच और h टेंस टू 0, तो लिमिट h टेंस टू 0 ये बन जाएगा आपका 1 माइनस 1 प्लस एच और अपोन ये आएगा 1 माइनस एच माइनस 1. इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट. आपके पास बचा लिमिट एच टेंस टू 0 और एच अपोन माइनस एच, एच से एच कैंसिल आउट हो गया. तो बन गया लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस 1 यानी माइनस 1 आ गया आपका ये, ठीक. उसके बाद आप निकालेंगे RSD, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी. तो राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी में क्या करना पड़ेगा, जो 1 नेगेटिव है इसको कर देंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx माइनस f1 ओवर x माइनस 1, क्योंकि fx माइनस fa, a के प्लेस में कितना हमारा 1, उसको लिख दिया हमने x माइनस a x माइनस 1. अब आपके पास आएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 1. ग्रेटर देन 1 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है x माइनस 1, तो उसको रखेंगे हम x माइनस 1 और माइनस f1. f1 पे वैल्यू कितनी आएगी हमारी, यहां वैल्यू रखेंगे तो 1 माइनस 1 0 0 आ गया ओवर x, यही रखा हमने और माइनस 1. अब क्या बनेगा आपके पास, यह आएगा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए x इक्वल्स टू आपने करना 1 प्लस h, तो h अप्रोच करेगा 0 को, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h माइनस 1 अपॉन 1 प्लस h माइनस 1 कैंसिल आउट, इससे कैंसिल आउट. सॉरी सॉरी, लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन h तो यह आ जाएगा 1. इसका मतलब क्या आ रहा है, LSD आ रही है आपकी माइनस 1 और RSD आ रही है 1, यानी LHD नॉट इक्वल्स टू RHD. इसका मतलब क्या हो गया, एंड देयरफॉर इट इज नॉट डिफरेंशिएबल. एट x इक्वल्स टू 1 इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट. ओके, क्वेश्चन नंबर 10. यू हैव गिवन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन fx इक्वल्स टू, कैन आई प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिवाइड बाय दिस, यानी fx इक्वल्स टू दिस x ग्रेटर देन 0 लेस देन 3 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 2. ठीक है, तो सॉल्यूशन हम कर रहे हैं यहां एट x इक्वल्स टू 1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं LSD. लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx माइनस fa अपॉन x माइनस a फार्मूला बन गया, बट किस पे निकाल रहे हैं 1 पे, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, ठीक. 1 नेगेटिव पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी x और f1 a के प्लेस में क्या पुट कर रहे हैं 1 x माइनस 1 x इक्वल्स टू 1 माइनस h x टेंड्स टू 0 क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस h माइनस इसके fn के प्लेस में क्या आ गया आपका 1
और 1 माइनस एच माइनस 1, 1 ए प्लस का 1 माइनस 1 से कैंसिल आउट हो गए। अब इसको समझिए 1 माइनस एच, तो मैंने उस दिन बताया था ग्रेटेस्ट इंटीजर में नंबर लाइन से बताया था मैंने कि 1 2 ये आ गया 2 3 इस तरीके से, इधर माइनस 1 0 और ये आ जाएगा फिर माइनस 1। तो आपका जैसे 1 माइनस एच है तो 1 माइनस एच इससे भी कम, ये 0 था हमारे पास यहाँ, तो 1 माइनस एच का मतलब हो गया ये आगे जैसे, तो इससे लेस देन, इससे लेस देन कौन सा टर्म हो गया 0, ठीक। तो आपने इसकी वैल्यू क्या बन गई 0, ये आ गया आपका 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर निकल करके, तो 0 माइनस 1 अपॉन माइनस एच, तो ये आ गया माइनस 1 और माइनस एच, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 अपॉन एच, लिमिट की वैल्यू में 0 पुट करी यहाँ एच की, तो क्या बन गया 1 अपॉन 0 दैट इज इनफाइनाइट, क्या बन जाएगा इसको ऐसे लिख लो आप 1 अपॉन 0 करके तो ये बन गया इनफाइनाइट, ओके। देन आर इज दी लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, और फंक्शन की वैल्यू फिर से ये ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1, फिर कर x इक्वल्स टू 1 प्लस h टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस h माइनस 1 अपॉन 1 प्लस h माइनस 1, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसमें देखो 1 प्लस h वैल्यू आ रही है 1 प्लस h, तो 1 प्लस h कहां आ रहा होगा, ये कहीं यहां 1 प्लस h आ रहा है, ठीक। इससे लेस देन, इससे लेस देन क्या होगा 1, तो हम सीधे कहां मूव कर गए 1 पे, देखो 1 प्लस h के ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या आ गया 1 और माइनस 1, 1 का 1 आ गया ऐसे, तो 1 से 1 कैंसिल आउट 0 अपॉन h, जब वैल्यू पुट करें कितना आ गया 0, इसका मतलब LHD नॉट इक्वल्स टू RHD, इसका मतलब क्या हो गया इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1, एट x इक्वल्स टू 1 पे तो नॉट डिफरेंशिएबल हो गया, इसी तरीके से आप निकालेंगे x इक्वल्स टू 2, 2 के लिए निकाल लेंगे अब आप ऐसे, के लिए क्या बन जाएगा अब यहाँ पे आ जाएगा 2 निगेटिव, क्या बन जाएगा आपका f2, ये अब ये आ जाएगा आपका 2, ठीक। अब यहाँ बनेगा आपका x इक्वल्स टू 1 2 माइनस h और h टेंस टू 0, ये क्या बन जाएगा आपका 2 माइनस h और ये बन जाएगा आपका 2, ठीक। और ये बन गया 2 प्लस का और ये 2 माइनस का, तो 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब 2 माइनस h का मतलब क्या हो गया 2 माइनस एच से कम कहाँ जाएंगे 1 पे, तो ये क्या वैल्यू बन जाएगी अब आपकी 1, ये आ जाएगा 1 और ये बन जाएगा आपका 2, ठीक। ये बन गया अब आपका माइनस का लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस 1 अपॉन माइनस एच, ऐसे इस माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन गया लिमिट एच टेंस टू 1 अपॉन एच, एच की वैल्यू फिर से आपने क्या कर दी 0 पुट करी, क्या आ गया नॉट डिफाइंड। उसके बाद फिर आप आर एस डी निकाल रहे हो तो क्या कर लेंगे उसको 2 पॉजिटिव और ये बन जाएगा f2, ये आ जाएगा आपका 2, यहाँ आएगा 2 प्लस h, ठीक, h टेंस टू 0 तो ये बन जाएगा 2 प्लस h, ये बन गया 2 प्लस h, ये आ गया आपका 2 यहाँ पे, ये बन गया 2 और यहाँ आ गया माइनस का 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, अब क्या बचा आपके पास 2 प्लस h है, तो 2 से ज़्यादा आ रहा है तो वो लेस देन क्या बनेगा इस ग्रेटेस्ट इंटीजर में 2 बन जाएगा, तो बन गया 2 और यहाँ भी 2 आ जाएगा निकल के, तो 2 माइनस 2 कितना हो गया 0, और ये h कितना आ गया 0 निकल के आ गया, यहाँ भी क्या आ गया LHD नॉट इक्वल्स टू RHD, इसका मतलब ये एट x इक्वल्स टू 2 पे भी क्या हो गया नॉट डिफरेंशिएबल हो गया। तो पहले मैंने 1 के लिए दिखाया फिर मैंने ये 2 के लिए दिखा दिया, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ओके स्टूडेंट।